उसमें होटल में काम करता था, सीसीटीवी कैमरा लगा था। अब सुबह गया है, शाम को हमको लाश मिली, हमें किसी ने बताया नहीं, होटल वाला कोई नहीं बताया, न नरेंद्र गुप्ता का कोई मैनेजर, कोई आदमी, कोई लड़का, कोई चपरासी, कोई नहीं आया अभी तक। हमें साजिश सरासर साजिश लग रही है, इसलिए हमें तो लगता है कि कितने बार फेंक गया है, जब ले जाने वाला वहीं कोई नहीं मिला हमको, तो हम क्या सोचेंगे। हम ये चाहते कि हमें उचित कार्रवाई हो। बिंदी राम ने जैसा बताया गया है कि कोई सीसी कैमरा लगना था, उसके लिए कोई लड़का लगाने के लिए गया था, वहाँ उसकी डेथ हो गई। प्रथम दृष्टि ये बताया गया कि कोई करंट वगैरह लगने के कारण ऐसा हुआ है। आज जो लोगों का जाम वगैरह लगाने का कारण था वो ये था कि उनका ये था कि उसका पोस्टमार्टम जो है वो वीडियोग्राफी कराते हुए डॉक्टरों के पैनल से कराया जाए। वो ऑलरेडी जिलाधिकारी महोदय द्वारा आदेश किया जा चुका था। वो 93 कुछ डॉक्टरों को आने को विलम्ब हुआ था, इसके कारण वो लोग जाम लगा लिए थे। दूसरा उनका ये भी इशू था कि साहब जहाँ जिस कमरे में ये डेथ हुई है उस कमरे को सीज कर दिया जाए, अन्यथा होटल वाले जो है वो एविडेंस मिटा सकते हैं। तो वो संबंधित प्रभारी निरीक्षक द्वारा ऑलरेडी उसे करा दिया गया है, वो सीज कर दिया गया और यहाँ पे उनको पोस्टमार्टम जानकों के पोस्टमार्टम लगभग समाप्त भी हो गया है। इस समय क्लियर कट मैं नहीं बता सकता, लेकिन उसमें जो मतलब होटल वालों के ही खिलाफ हुआ है मालिक के।